मौसम में आ रहे बदलाव के बीच गेहूं का उत्पादन बढ़ाने को लेकर 7 देशों के 200 से अधिक वैज्ञानिक प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में मंथन करेंगे। 14 से 16 फरवरी तक आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत सहित इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, जॉर्डन, मोरक्को और कनाडा के वैज्ञानिक गेहूं की फसल की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पालमपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार सरयाल ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय में इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन विश्वविद्यालय में पहली बार किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान 6 तकनीक सेशन होंगे, 24 प्रमुख संबोधन होंगे और 130 पोस्टर प्रस्तुत किए जाएंगे। कुलपति ने बताया कि प्रदेश के परिवेश में ये सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ओर जहां अधिकतर देशों में साल भर में गेहूं की एक ही फसल होती है, वहीं प्रदेश के लाहौल स्पीति में 2 फसलें ली जा रही हैं। कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों व कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया भी जारी है। 11 वैज्ञानिकों को हाल ही में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जबकि 50 के करीब पद और भरे जाएंगे। वार्ता में विश्वविद्यालय से संबंधित 2-3 इश्यूज जो हमारे लिए खुशखबरी, अच्छी शुरुआत की बात है कि विश्वविद्यालय अगले हफ्ते इंटरनेशनल लेवल की एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस जो इंटरनेशनल ग्रुप मीटिंग भीट, जो एक हमारी हिमाचल प्रदेश की भी सबसे महत्वपूर्ण फसल है, जिसके अंतर्गत सबसे अधिक एरिया इस फसल के अंतर्गत आता है, इस संबंधित भीट प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट थ्रू क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस जो इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहेगा। इस कॉन्फ्रेंस में, 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में 6 हमारे ऐसे टेक्निकल सेशन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें भारतवर्ष सहित 7 देशों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण डॉक्टर मार्टिन क्रॉफ, जो डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर बीट एंड मेज रिसर्च मैक्सिको, जिसको शॉर्ट में सिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में इस तरह के 8 इंटरनेशनल सेंटर हैं विभिन्न क्रॉप फसलों के, जिसमें मेज और वीट का सिमेंट मैक्सिको में है। उनके डायरेक्टर जनरल भी इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हो रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मा विभूषण प्रोफेसर बीएल चोपड़ा, जो फार्मर डायरेक्टर जनरल आईसीआर रह चुके हैं और भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी थे, मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें भी, उनका भी हमें इस कॉन्फ्रेंस में बीज से संबंधित मार्गदर्शन मिलेगा। और डॉक्टर मार्टिन क्रॉफ, जो इंटरनेशनल सेंटर के डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नेतृत्व बीज की रिसर्च प्रोडक्टिविटी अनाउंसमेंट, जो अभी हमारी क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस हैं, उस संदर्भ में विभिन्न विषयों में। सर, इसमें देश कौन कौन से हैं? इसमें जो देश हैं, इंग्लैंड, यूके के, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, जॉर्डन, मोरक्को और कनाडा। सर, शुरू किस तारीख से शुरू होगी? ये 14 तारीख से शुरू होगी और 16 तारीख को इसका वैलिडेटरी फंक्शन रहेगा, 14 फरवरी को। हाँ, 14 फरवरी को। और उसके लिए आप सभी ही इसके लिए आमंत्रित हैं इनॉग्रल सेशन के लिए। 10 बजे होगा।